हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आपको इस फॉर्म वीडियो में एसएसबी का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको एसएसबी की ऑफिशियल साइट पर आना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे अप्लाई व्यू पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप करना है, आप ये रेड कलर का जो लिंक देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करके अप्लाई व्यू पे आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे ऐसा स्टेनोग्राफर का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसा स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप करना है, आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री का फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई व्यू पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। अप्लाई व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा तो यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भर के पासवर्ड डाल के आप इस फॉर्म को मतलब कि पूरा कवर कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं न्यू कैंडिडेट हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे अपने बारे में डिटेल्स फिलअप करनी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट डाल देता हूँ एससी मिनिस्ट्रियल। और यहाँ पे दोस्तों अपना नाम भर देना है, मैं अपना नाम जैसे नाम भर रहा हूँ अभी। और नीचे अपना फादर नेम डालना है और फिर दोस्तों मदर नेम, और आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप मतलब जेंडर फिल कर लेना है कि आपको मेल या फीमेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। और नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन या फिर आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आपको डालनी है। रजिस्ट्रेशन में आप हिंदू या मुस्लिम जोन से उससे कास्ट से आप वो डाल देना है आपको। और मैरिड सजेशन में आप मैरिड है अनमैरिड हैं, ठीक है। आप डिवोर्स हो रखा है, आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अनमैरिड हूँ, क्लिक कर लें। कैटेगरीज पर देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट पे आपको आप कौन सी कास्ट से हैं, जनरल यू आर से हैं, ओ बी सी हैं, एस सी है, एस टी से हैं। तो मैं एस सी से हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मतलब कम्युनिटी का अगर आप गोरखा डोगरस मतलब जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो नो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप पैक सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। तो मैं नो कर रहा हूँ इन सबको क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आई डी है, आप इनमें से आपके पास जो भी कुछ है लाइसेंस मतलब समथिंग जैसे आप बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पे आपको जब आप वहाँ पे जाएंगे आपके लिए मतलब जो वहाँ पे चेक होगा आपका, आपको वही यहाँ पे डालना है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आई डी डाल दीजिए, आप पैन कार्ड डाल दीजिए। तो मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ अभी। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं नंबर डाल रहा हूँ अभी। वैसे नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पे आप अपने मार्क्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपके जो मतलब कि बॉडी पे कोई भी निशान समथिंग कुछ भी हो उसके बारे में डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दीजिए। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड से 10th पास की थी, और प्लस टू भी डालनी है कौन से बोर्ड से आपने प्लस टू पास की है, ठीक है। और ईयर ऑफ एग्जाम आपने कौन से ईयर में पास की थी, तो मैं यहाँ पे 2013 भर देता हूँ, यहाँ पे 2015 भर देता हूँ, सॉरी दोस्तों। और फिर अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। और जो आपका प्लस टू का रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। और सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए अब यहाँ पे। और जो आपका प्लस टू का सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे आप वो डाल दीजिए। और
जो आपकी डेट ऑफ इशू है, मतलब आपने कौन से ईयर में पास की थी, मतलब उसकी डेट डालनी है यहाँ पे। और नीचे भी आपने जो प्लस टू कौन से ईयर में पास की थी, ठीक है, उसकी डेट डालनी है यहाँ पे। और आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, आपको वो फिलअप करने हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स में। और प्लस टू के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको वो डालने हैं यहाँ पे। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट जो मार्क्स आपको कितने परसेंट दिए गए हैं, मतलब आए हुए हैं, आपको वो फिलअप करना है यहाँ पे अब। और आपके जो प्लस टू में मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज डालने हैं यहाँ पे दोस्तों। इतना फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेज टाउन पोस्ट ऑफिस, आपको ये सब डिटेल्स फिलअप करनी है, मैं फिलअप कर रहा हूँ अभी। और पोस्ट ऑफिस में जो आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे पड़ता है आपको वो डालना है, तो आपको तहसील डाल देनी है आपकी, कौन सी तहसील से आए आप। और पुलिस स्टेशन डालना है आपको, आपको पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, ठीक है। और स्टेट में आपको, आप कौन से स्टेट से, आप गुजरात से हैं, गोवा से हैं, दिल्ली से, कौन सी स्टेट है आपकी, आपको वो यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। और फिलअप ये सब करने के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको वो क्लिक करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपको पिन कोड भर देना है आपका। इतना करने के बाद अगर आपके जो सेम डिटेल्स अगर यहाँ पे भी आपको फिलअप करनी है तो यहाँ यस कर दें, जब नो कर दें, ठीक है, लीजिएगा, ठीक है। और इन सबको आप नो ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ऊपर किसी का मतलब कुछ अपने कुछ क्राइम किया हुआ है, ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ के इन पे मतलब कि इनके रिकॉर्डिंग आपने यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो नो कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चूज कर लेना कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मैं अपना पासवर्ड भर रहा हूँ यहाँ पे। इतना भरने के बाद यहाँ पे आपको हेयर बाय पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप ये जो आपके सामने कोड दिया गया है आपको इसको फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे हाई हेयर बाय पे क्लिक कर दीजिए। हाई हेयर बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, हैव टू एप्लीकेशन द डिटेल्स, यहाँ पे ओके कर दीजिए आप। दोस्तों यहाँ पे आपको आप अपना फोटो फिलअप करना है, ठीक है, फोटो डालना आपको अभी यहाँ पे, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर डाल देने हैं। तो सिग्नेचर का साइज थोड़ा कम लग रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सिग्नेचर फोटो डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना है आपको, मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड एस मिनिस्ट्रियल, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट एक्नोलेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, मेरा फॉर्म दोस्तों फिलअप हो चुका है, ठीक है। ऐसे करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।